उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो चुका है, जहां सत्र में मंगलौर के दिवंगत विधायक रहे सरवत करीम अंसारी को सभी मंत्रियों और विधायकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अगर बात की जाए समान नागरिक संहिता की, तो इसे लेकर अभी भी कहीं ना कहीं विरोधाभास के सर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये ड्राफ्ट जल्दबाजी में अपनी मनमर्जी से सरकार लाने जा रही है। इसमें विपक्ष की राय मशवरा नहीं ली गई। वहीं दूसरी ओर ड्राफ्ट का मसौदा विपक्ष को पढ़ने के लिए भी नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें निजता पर भी प्रहार है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सरकार पर आरोप उन्होंने लगाया कि सरकार ड्राफ्ट के साथ साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा करें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल, यूसीसी का जो ड्राफ्ट है जितना बताया जा रहा है वो बड़ा है, उसके लिए पढ़ने के लिए समय सबको चाहिए और कोई भी कानून पढ़कर उस पर चर्चा कर उसके बाद बनना चाहिए। उसे जनता को जो लाभ हो सके वो उस कानून में लाना चाहिए, इसलिए समय मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। उसका अध्ययन करने के बाद हम कोई बात कह पाए। वैसे तो यूसीसी जो है केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन राज्य सरकार आमादा है इस बात के लिए कि हम राज्य में पहले लागू करने का काम करें। अब देखना है कि क्या मसौदा है, क्योंकि हमसे लगी हुई सीमा उत्तर प्रदेश की है, हमसे लगी हुई सीमा दिल्ली की है, जहाँ पे यूसीसी नहीं है, उसके क्या प्रभाव जो है पड़ेंगे।